विक्रांत कुमार शर्मा, सरमा टीवी विद्यालय रांची से। आज मैं एक पैनल पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो सैमसंग का है। इसका ये तुम फैक्ट्री में मॉडल नंबर दिखाते हैं। ये सैमसंग का मॉडल नंबर देखिए, यहाँ पे UA32FH4003R है। इसमें हम लोग प्रॉब्लम जो आ रहा है वो आप देखिए, राइट साइड का पिक्चर क्लियर है, लेफ्ट साइड में हमें रेड बार मिल रहा है। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर इस पैनल में फॉल्ट आता है कि ये कॉफ के आसपास और इस कॉलर के पास में रश हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से ये सड़ जाता है। लेकिन इसमें ना तो रश मिला मुझे, ना तो मॉइस्चर मिला। लेकिन इसमें मैंने एक प्रॉब्लम चेक किया, उसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं पैनल का कनेक्शन निकाल देता हूँ, चेक ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने चेक किया, यहाँ पर देखिए क्या मिला। जब हम लोगों ने मिनी LVDS का पेयर चेक किया तो एक पेयर, दो पेयर ठीक मिला, मगर तीसरा पेयर हमें शॉर्ट मिला। ठीक है, वोल्टेज वहाँ दिखाई शॉर्ट मिला। तो उसके बाद हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस ओपन किया, लेकिन ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद भी ये पेयर हमें 20 ओम के आसपास मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये लॉजिक IC या टाइमिंग कंट्रोल IC से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये टाइमिंग कंट्रोल IC ओपन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ओपन कर रहे हैं अपना ये IC ओपन करके देखते हैं क्या होता है। हमने ये IC ओपन कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पेयर चेक करते हैं, अब क्या होता है। IC को टाइमिंग कंट्रोल IC को ओपन करने के बाद भी हमें ये मिनी LVDS पॉइंट में एक पॉइंट शॉर्ट ही मिला। तब हम लोगों ने पाया कि ये IC तो हमारा सही है, तो अब इसका शॉर्टिंग हमें खोजना था। तो शॉर्टिंग खोजने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ये जो मिनी LVDS का पॉइंट और ये IC का पॉइंट को डिटेक्ट किया कि कौन सा पिन जा रहा है इसमें। उसके बाद क्या किया हमने कि ये जो कॉफ है, कॉफ के बाद ये जो नेटवर्क रेजिस्टेंस लगा हुआ है वहाँ के पॉइंट को काट दिया। अब यहाँ के पॉइंट को काटने के बाद हम लोगों ने चेक किया कि ये कॉफ तो ठीक था, लेकिन इस पार्ट में हमें शॉर्ट मिल रहा था। अब फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये IC से जो दो पॉइंट निकल रहा है मिनी LVDS के लिए पेयर, उसे भी कट कर दिया, और ये इस कॉफ से और IC तक डायरेक्ट जम्पर के थ्रू हम लोगों ने सिग्नल पहुंचाया। और ये बीच वाले पॉइंट में भी हमारा शॉर्टिंग मिल रहा था, तो इस बीच वाले पॉइंट को भी हमने, ये बीच वाले कॉफ का भी मिनी LVDS के दो पॉइंट को शॉर्टिंग हटाने के लिए इसे भी कट कर दिया और डायरेक्ट जम्पर के थ्रू इसे सिग्नल दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, जो एक पार्ट में पट्टा आ रहा था वो भी क्लियर हो गया है। तो ये सैमसंग का मॉडल का पैनल का है कि एक बहुत ही बेहतरीन फॉल्ट फाइंडिंग हम लोगों ने किया है। थैंक यू।